नमस्कार दोस्तों, गदर 2 मूवी ने पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया है। 22 साल के बाद सनी पाजी ने एक बार फिर से अपने गुस्से से पूरा पाकिस्तान हिला दिए हैं। गदर 2 को देखने के लिए दर्शक का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस मूवी को देखने के बाद वैसे ही फीलिंग होने वाली है जैसे 22 साल पहले गदर के देखने पर हुई थी। इस मूवी में 1971 के समय इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वार को बाखूबी से बड़े पर्दे पर दिखाया गया है। इस फिल्म में आपको एक्शन, इमोशन, लव स्टोरी, डायलॉग सबका कैम्बो देखने को मिलेगा। पूरा फिल्म 3 घंटे के करीब का है। इंटरवल के पहले फिल्म में थोड़ा कम मजा आ सकता है, पर इंटरवल के बाद आपकी नजर स्क्रीन पर ही टिकी रहेगी। इस फिल्म में आपको तब ज्यादा मजा आएगा जब सनी पाजी डायलॉग्स बोलेंगे और फिर एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। फर्स्ट हाफ में सनी पाजी के मुताबिक जीते को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है। इस फिल्म में जो जीते का रोल निभा रहे हैं उत्कर्ष शर्मा, उनकी एक्टिंग इस फिल्म में एवरेज लगी, न अच्छी न खराब, ठीक ठाक लगी। इसमें विलन का किरदार मनीष बाधवा ने निभाया है और जिस तरह से मूवी में एक्शन और डायलॉग्स हैं उस हिसाब से उनकी पर्सनालिटी इस मूवी में फिट लग रही है। मूवी के स्टार्टिंग में नाना पाटेकर ने अपनी आवाज देकर अपनी उपस्थिति कराई है। वह इस फिल्म में वॉइस ओवर देते हुए नजर आ रहे हैं और गदर 2 मूवी में भी तारा और सकीना की केमिस्ट्री को अच्छे से दिखाया गया है। और बात करें फिल्म के सबसे वायरल सीन हैंड पंप के बारे में, तो पहले वाले गदर की तरह इसमें भी हैंड पंप का सीन है जो कि इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी से हो रही है। कुल मिलाकर बात करें तो गदर 2 मूवी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग इस मूवी को 5 में से 5 स्टार दे रहे हैं तो कुछ लोग 5 में से 4 स्टार दे रहे हैं। और बात करें फर्स्ट डे कलेक्शन की तो यह मूवी 30 से 40 करोड़ कमा लेगी और आप लोग फैमिली के साथ इस मूवी का आनंद उठा सकते हैं। तो यार, आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री की सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।